एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो मैं तो बिल्कुल ब्लॉग से आउट हो चुकी हूँ। मैं तो कोई ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, बिकॉज ये शैतान मुझे बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं करने देता। एवरी टाइम मुझे परेशान करता है। आराम स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, स्माइल करो। अपने दांत दिखा दो, अपने दांत दिखा दो। देखो देखो आरो की कहाँ चोट लगी थी, कहाँ चोट लगी थी? आरो को चोट कहाँ लगी थी बता दो, जल्दी बता दो। कहाँ? हाँ, हो गई। कहाँ हुई है? कहाँ हो गई थी? इच पे हो गई थी। तो गाइस क्या बोलूँ मैं तो सच बताऊँ तो इतनी बिजी हो गई हूँ कि कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा खासा ब्लॉगिंग करती थी, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से ब्लॉग छोड़ दिया और चुपचाप बैठ गई घर में। ये तो सही नहीं है ना, जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए ना। तो गाइस मैं क्या सही सोच रही हूँ जरूर बताइए कमेंट करके। तो अभी मैं आरो को लेकर, अभी आरो भी मेरे पास नए हूँ और हम लोग वेट कर रहे हैं इनके पापा का। इनके पापा का आने का टाइम है रात को, रात में कोई टाइम नहीं है, 10:30, 11:30, 12:30। आरव कुछ बोलोगे? स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। तो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ, ऐसे बने रहिए आप लोग मेरे साथ। देर पहले ब्लॉग स्टार्ट किया है तो सोच रही थोड़ा रात का ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करती कि रोज मैं करती क्या हूँ, है ना। और ये देखिए एलवी वगैरह तो मैं कर नहीं पाती हूँ टाइम से, क्योंकि हमारे ये बैठे हैं ना यहाँ पे, इनको नींद ही नहीं आती है, ये ना टाइम से सोते हैं। सबसे बाय कर दो, बाय कर दो। और हम वेट कर रहे हैं सिर्फ आरो के पापा को, क्योंकि वो जब आएंगे जभी तो मैं कुछ काम कर पाऊंगी, क्योंकि इनको लेके तो कुछ भी काम नहीं होता है। आराम, बाय करो, सबसे बाय कर दो। अरे तेरी फिर छू छू हो गई, देखना ये सू सू करके ना इस तरीके से बैठ जाता ना साइलेंट होके कि जैसे क्या किया है, उसको पता है मम्मा डांटेगी। आरव कहाँ करी है सूसू, सूसू कहाँ करी है? आरव सूसू कहाँ करी है? देखो कैसे बता, कहाँ करी है सूसू, सूसू कहाँ करी है? देखो देखो कैसे बता रहा है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना आपके। तो गाइस बस सोचा था कुछ कैप्चर करूँ, कुछ शेयर करूँ, उससे पहले इन्होंने पूरा अपना गीला कर रखा है। तो फर्स्ट काम मेरा तो यही होता है कि इनको वॉश करूं, इनको साफ करूं, फिर मिलती हूं आपसे। और आज का क्या सीन है उसके पापा के आने के बाद शेयर करूंगी, ऐसे मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय। हेलो गाइस, मैं फिर थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहती हूं कि रात मेरी कैसे कटती है 9:30-10:30 तक। ये देखिए, ये अभी यहाँ पे थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम है, उजाला कम है तो ऐसे दिख रहा है। तो ये अभी खेलने के मूड में है और ये ऐसे खेलते रहेंगे, इनका कुछ पता नहीं है। और किचन भी मैं दिखा देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बेबी शाम का मैंने कुछ काम नहीं किया है। और यहाँ देख सकते हैं कि मेरी दिन की दाल बच रही है, इसमें इनमें सब्जियाँ हैं और सिर्फ रोटी बनानी है। और यहाँ पे जो बर्तन मैंने शाम को मैगी वैगी बनाया था वो सारे मैंने वॉश कर लिया। ऐसा नहीं है कि बेबी है तो मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं सारा काम हैंड टू हैंड करती हूँ, क्योंकि मुझे मैसी रूम चाहे मैसी किचन कुछ नहीं पसंद है। मैं इससे ज़्यादा सफाई रखती थी, बट ये बात भी ट्रू है कि बच्चे आने के बाद सफाई थोड़ी कम हो जाती है, मैं इस पर एग्री करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मशीन नहीं है और आरो के ऑलमोस्ट कपड़े सारे गीले हो चुके हैं, कि 2-3 दिन से बारिश ही चल रही है, मौसम खराब हो रहा है। और इसको मैं ज़्यादा डायपर में नहीं रखती हूँ क्योंकि रेसेस ज़्यादा हो चुके थे एक बार, उसके बाद हमने कम कर दिया। खाली हम नाइट में ही पहनाते हैं क्योंकि बिस्तर पर गद्दे वद्दे पर कर देगा तो वो जो सूखने वाला नहीं होता है ना। और यहाँ पे बहुत चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं बहुत एडजस्ट करके यहाँ पे रहती हूँ, पर क्या है हस्बैंड रहते हैं तो रहना तो पड़ेगा ना, कितने दिन हम घर पे रहेंगे, है ना। और इसको भी अपने पापा की नीड होती है तो मुझे आना ही पड़ता है कुछ कुछ दिनों के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आरो अभी भी मस्ती के मूड में है, ये इसी तरीके के से रात भर मेरा दिमाग खराब करेगा। दिमाग क्या खराब करेगा, अच्छा भी लगता है। और थैंक गॉड आरव है, नहीं तो जिस तरीके से जॉब में ये टाइम चल रहा है बहुत गंदा वाला, नहीं तो मैं अकेले कैसे रहती रूम पे, है ना। इसके ये है तो थोड़ा टाइम मेरा कट जाता है। और अभी आ रहा है वो, क्या कर रहे हो?
बाय कर दो सबको। देखो आरव कैसे बाय करके जा रहे हैं आप लोगों से। और रात में तो बहुत बुरा हाल हो गया था इसका, ये खेलते खेलते सडनली फर्श पे गिरा और उसके जो आगे के दो टीथ हैं वो उसके यहाँ पे लगे और बहुत बुरी तरीके से वो कट चुका है और पेन भी हो रहा है अभी बेचारा। अब थोड़ा सा खेल रहे थे, दिल सुस्त था। और जब बच्चे को कुछ हो जाती है तो आई थिंक किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता है, तो यही सीन चल रहा है अभी भी। देखिए फिर ऊपर आने के लिए दिक्कत है। आज मैं बस अपनी जो काम का रूटीन है वही दिखा रही थी, मैं कैसे अकेले इसको हैंडल करती हूँ प्लस काम भी करती हूँ। और वो जो अभी किचन में आइटम रखे हैं अब मैं उसको धीरे धीरे फ्राई कर लूँगी, दाल को सब्जी को गर्म कर लूँगी। रोटियाँ हम हैंड टू हैंड बना के खाते क्योंकि वो ठंडी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि घर के आटे की जो रोटी है तो वो एक दो घंटे हम बाद में खा लेंगे, पर जो पैकेट का आटा होता है मेरा मानना है कि उसको तो मैं नहीं खा सकती। आप लोग मैं मेरी जो बात है उसे आप लोग सेटिस्फाई है तो ज़रूर बताना। तो मुझे मन किया ब्लॉग बनाने का, मैं ब्लॉग छोड़ के बिल्कुल दूर गई हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो स्टार्टिंग करी यूट्यूब से मैंने ब्लॉग बना के ही दिखाया है, फिर मैं अलग वे में क्यों जा रही हूँ, है ना। मैंने अपनी लाइफ को प्रेजेंट किया है, सब कुछ किया है, तो मुझे वही काम करना चाहिए ना। अगर मेरे नसीब में होगा, अगर कुछ अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है चल रहा है अपना, है ना। और मेरी जो लाइफ है उससे कुछ आप लोग सीख पाएँ या देख के अच्छा लगे ये भी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ना। तो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी, 7-8 मिनट का ही कैप्चर करके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरा जो ये रूटीन है बच्चे को लेके कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सबसे बोलती हूँ ऐसे ऐसे चलता है मेरा दिन, क्या करूँ क्या करूँ। अभी भी मैं चैन से नहीं बैठी हूँ, मुझे उसका ही डर लगा रहता है वो कुछ कर लेगा। अभी भी देखिए वो क्या कर रहा है, ये इतना ज़्यादा परेशान कर देता है ना कि ये उल्टी सीधी चीज़ उसको क्या पता है। अभी वो मेरे चप्पल से खेल रहा है, अगर मैं इस टाइम पे माइंड कहीं और कर लूँ तो फिर बच्चा है मुंह में डालेगा जर्म से। अभी तो इतना ज़्यादा टाइम इतना बुरा चल रहा है कि हर एक चीज़ से हमें बच के रहना चाहिए, तो इसलिए मैं और चीज़ों में फोकस ना करके मैं ज़्यादा इसी पर ध्यान देती हूँ, है ना। ना मैं वीडियो बनाती हूँ ना मैं किसी, अब इस पर मैं क्या बोलूँ, जो देखेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी जो नाइट है या डे है। अभी तो मैं नाइट का दिखा रही हूँ, डे को भी दिखा दूँगी कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कैसे मेरे दिन करते हैं, है ना। तो देखो कब आते हैं उसके पापा, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ और ये जो फ्रंट पे आ रहे हैं ये आरव के पापा है, मैंने देख लिया था तो सो मैं कैप्चर कर रही थी। और आरव ऐसे ही वेट करता है बालकनी से, देखता रहता है इसके पापा का बारे में, नीचे का व्यूज़ ऐसा रहता है हमारे वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ये खड़ा हुआ है, अब ये जाएगा वो डोर के पास दौड़ता हुआ जाता है और फिर इतना एक्साइटेड रहता है उनके लिए, क्योंकि बच्चे फिर सभी मतलब ढूंढते हैं ना, उनको क्या पता कि इंसान काम के सिलसिले में ही घर से बाहर जा सकता है, उनको क्या पता अभी। तो ऐसे ही वो रोज़ वेट करता है अपने पापा का। तो यहाँ पे देखिए उसके एक्साइटमेंट, अब खुलेगा वो जाएगा दौड़ के, बट मैंने बोला कि कपड़े पे चेंज कर लो और हैंड वॉश करो सैनिटाइज़र करो फिर उसको टच करना, तो बट ये मानता ही नहीं है ना बिल्कुल। मैं अगर इसको ले लेती हूँ तो रोने लगता है, देखो फिर अब मैं इसको उठाऊँगी तो ये रोने लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आरव के पापा उसको बोल रहे हैं बेटा थोड़ी देर रुक जाओ अभी लेता हूँ मैं। तो ऐसा ही सीन रहता है रोज उसके। ये किसकी है? लाओ रख दो कल खाना, ये कल खाएगा, पहले कपड़े चेंज कर लो। ये कौन खाएगा? अरे तो भुट्टा भुट्टा आ गया, अरब का भुट्टा भुट्टा आ गया, ये कौन खाएगा? इसके बारे में पूछ सकती है क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुक जा, देख लिया इसने भुट्टा, रुक जा, रुक जा, दे रही हूँ। पूछा तो उनको भी ये बात रिया चक्रवर्ती ने बताई थी।